जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। ये देखिए दोस्तों, मुरली सर हौसले के द्वारा बहुत ही खतरनाक सांपों का रेस्क्यू किया गया है। जो कि यह कोबरा सांप है, उनको पकड़ने के लिए मुरली सर को कितना मेहनत करना पड़ता है, तो आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। और इनको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ता है इन बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को भी इन जानवरों को बचाना है और जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, तो आइए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से रेस्क्यू किया गया है, कितनी मेहनत के बाद सांप को पकड़ा जाता है। तो आइए दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं मुरली वाले हौसला आज वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं कि सांप है कौन सा। नजर जमाए रखिएगा कि ऐसे भी तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे उनसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने हमको यहाँ पर याद किया है। मेरा नाम अजय सिंह, ग्राम सभा मलिकानपुर के निवासी है जी। थाना कौन सा पड़ता है? थाना बक्सा। बक्सा, आइए दोस्तों देखते हैं सांप है कौन सा। प्लीज़ कम 2 मिनट का वक्त लेते हैं। कितना बड़ा रहा सांप? है ये इतना मोटा बा पहले लग ही रहे बोलिया में रहबे के अंदर वही बेचारा हटाइए का हाव रठवाठाओ में तो देखो आई ये जो रखा है कितने दिन से रखा है लगभग? अरे भैया जब पार घर वही घर है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये कौन सा अंडा है, किस जीव का है, ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है कि इसी के अंदर वो सांप है जो स्पेक्टिकल्ड कोबरा बताया गया। लेकिन बात ये दोस्तों, ये उसका अंडा तो हो ही नहीं सकता, या तो वो सांप इस अंडे को खाने के लिए आया हो। तो बहुत सारी चीज़ों से रहस्यमय ये चीज़ जुड़ी हुई है। इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। मन ना भाई जी, बात वहीं है। अच्छा आगे गया वहीं बैठ गया हां जी। चलिए पहले इसको हटवाते हैं, फिर इसको जब निकला फर रहा है। ओए ए भालू आ बड़ा, अरे हर खा दे आ जाओ। अरे नहीं ले नहीं ए भालू, एक बार में सही तू लड़की है। पैरों बचा रहा दिखा तू मोटा ले ले होता है। पान खींचे भैया। अच्छा दिन दिन बा हो जरूर पकड़। मन 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 बा एमे लाए बते एमे बा एमे पलट पलट भैया। ओके चलाती सी हां ये उल्टा इसको उठाना। रस्सी बांध के तो मन इमन पक्का बार ही बार एक बार में लगाना है और एक ही बार में पलटना है। हाँ सब चला हो रही चीज़ उसको ही दे दे हाँ जाके ही दे चला हो रहा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये हमारे भारत का एक ऐसा सांप है और इसे दोस्तों देख करके अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये दोस्तों कुछ ना कुछ खाया पिया है। ये दोस्तों इसी अंडे को खाने के लिए आया था और शायद इसके पेट में अंडा ही है। यहाँ पर जो मजबूती के साथ एक बिल थी और इसी के अंदर ये पहले से रहता था। जगह नहीं क्या इसके अंदर जाने के लिए? दोस्तों इसके पेट में या तो चूहा होगा या तो फिर वही अंडा। इनका क्योंकि पसंदीदा जो भोजन है वो चूहा है। और एक बात होती दोस्तों, इसका भोजन के साथ साथ जैसे ये दोस्तों अगर ये भोजन नहीं पाता है तो ये पंछियों के अंडे बच्चे घोंसले दिखाता है। अगल बगल में आप देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं। चलिए इसको यहाँ से निकालते हैं। दोस्तों इसकी अभी पूरी जो लंबाई है लगभग 4.5 फीट के आसपास का, और इसकी पूरी लंबाई 4 से 5 फीट होती है। इधर हटा हटा हटा
तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, जो भी ये अपना भोजन निवाला बनाया था वो पलटी कर रहा है। और एक बात होती है दोस्तों, इनको पैक करने में या डिब्बे में रखते वक्त जो खाए रहते हैं, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं है। इसको जो खाया हुआ है उसको पलटी करवाना, अपनी स्वेच्छा से जैसे ही अपने शरीर को हल्का करने के लिए खाई हुई चीज़ों को ये जब पलट देता है तो भागता बहुत तेज़ी से है। दोस्तों ये चूहा खाया हुआ है, चूहा है दोस्तों, ये पलटी कर रहा है और लोगों के आप देख सकते हैं चेहरे की रंगत बदल रही है। मतलब उस दिल में यही सांप था। अभी दोस्तों इसकी शरीर जो है हल्की हो चुकी है। अब ये दोस्तों इसे तो निकाल दिया है, लेकिन ये एक साथ माजरा दोस्तों समझ में नहीं आया कि चूहा भी खाया था और अंडा तो खाने के लिए आया ही था। एक अंधविश्वास फैला है दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि बीन बजाने के बाद सांप डांस करता है, लेकिन ये अंधविश्वास है, ये बीन बजाने के बाद दोस्तों डांस नहीं करता। हम इसके सामने किसी चीज़ को इधर उधर हिलाते हैं तो ये भी उसी हिसाब से इधर उधर घूमता है, लेकिन लोगों को ये लगता है ये जो है बीन बजाने के बाद सांप डांस करता है। ये हमारे भारत में दोस्तों बहुत सारे लोग आए अंधविश्वास को फैला करके अपने जीवन को चलाने के लिए, लोगों को गुमराह किए और वो बताए कि अंधविश्वास से या तंत्र मंत्रों से सांप निकलते हैं, इन पर मंत्र मार दिया जाता है या जड़ी बूटी होती है, ये सारे तथ्य गलत है। इन्हीं सब बातों के साथ जिसमें प्रकृति से लाइव है, ये आपका चूहा भी अपना रखेंगे। चलिए दोस्तों इसको हम पैक करते हैं। तो ये छोटी से छोटी जगहों में अपना आशियाना बना लेता है और अंधेरे में दोस्तों ये रहते हैं, इसलिए इन्हें मारा न जाए। दया नाम की चीज़ मालिक ने सिर्फ इंसानों में दे रखा है, क्योंकि चारवे छह शास्त्र में बात मिली है, दोए दुख दिने दुख होता है और सुख दिने सुख होए। दोस्तों इतने दिन से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना भरा पूरा परिवार है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो इसलिए अपना भी ये फ़र्ज़ है कि इसे मारा न जाए, इसे बाइज़त काफ़ी दूर लेके जंगल में रिलीज़ कर दिया जाए जहाँ पर घर परिवार ना हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको दिखा दिया है, तो आपने देख ही चुके होंगे कि मुरली सर हौसले ने किस तरह से सांपों का रेस्क्यू करते हैं, बहुत ही डेंजरस रेस्क्यू करते हैं ये, तो आप लोग देख ही चुके होंगे। तो दोस्तों इन बेजुबान जानवरों को आपको बचाना है, क्योंकि आप लोग इनको बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक इनको बचाना है। तो दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कॉपी मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यह काम एक एक्सपर्ट की होती है, तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा सांप को पकड़ने के लिए, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, तो चलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।